नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। इसका गठन इसलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं जो विजयरथ है भारतीय जनता पार्टी का, जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस कहीं सिमट के रह गई है। यूं कहा जाए कि इंडिया अलायंस को लेकर के पहले उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी थी कि हम अपने बल पर इलेक्शन लड़ेंगे, और कल महबूबा मुफ्ती ने भी इसका संकेत दे दिया है कि चुनावों को लेकर के कोई हमारा गठबंधन अभी फिलहाल नहीं बना है। इस पर चर्चा करेंगे। रविंद्र शर्मा चीफ स्पोक्स पर्सन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, रविंद्र जी आपका स्वागत है। चंद्रमोहन गुप्ता जी फॉर्मर मेयर और सीनियर लीडर बीजेपी, चंद्रमोहन जी आपका भी स्वागत है। शेख बशीर बहुत ही पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला, स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला के साथ भी काम किया, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में रविंद्र जी से करूंगा। रविंद्र जी, कोशिश जरूर की गई थी, और कोशिश में मुझे लगता है इंडिया शब्द जो दिया गया है वो भी कांग्रेस की तरफ से ही दिया गया था, और ये तुरंत जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा हुई उसमें उत्साहित होकर के ये अलायंस बनाया गया था। लेकिन लखनपुर से इस बार इस अलायंस का असर दिखता नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा बात नहीं है। इंडिया अलायंस की अगुवाई समझे या बड़ा भाई समझे, वो कांग्रेस पार्टी है जी, और कांग्रेस पार्टी के 7 करीब 28 दल हैं जो इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और ज़रूर कुछ दल जो हैं, क्योंकि पार्टीज मर्ज नहीं हुई, पार्टीज आपस में गठजोड़ में हैं, और ये गठजोड़ हिंदुस्तान की राजनीति का बड़ा पुराना सिलसिला रहा है। 77 में जनता पार्टी में कई पार्टियां उससे सरकार बनी थी, फिर बीपी सिंह जब उस वक्त भी हुआ, जब जब भी हुआ तो उसका कोई ना कोई, वो हमारे खिलाफ बनते रहे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सरकार में सत्ता में आए वो दल किसी ना किसी फ्रंट के रूप में। और ये पार्लियामेंट के लिए ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसमें शेख बशीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका आपस में आधार कहीं कहीं मिलता है, उसमें टकराव भी होता रहता है। लेकिन इंडिया अलायंस है, उन्होंने कहा अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई, तो ये लोकसभा के चुनाव के लिए पहला जो है वो सीट शेयरिंग होगी। मैं आपको दावे से ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो अभी तो असेंबली चुनाव का तो पता नहीं जी, क्योंकि वो होना नहीं है, उम्मीद कम है, और दूसरे चुनाव भी जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं कुल मिलाकर के। इसलिए लोकसभा की यहाँ तक बात है, उसमें सारे दल जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दे आर कमिटेड। सीट शेयरिंग पे बात होगी, जो 5 राज्यसभा के 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद चुनाव का संकेत हमें पता है जी। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ इंडिया अलायंस इकट्ठा लड़ेगा जी, इसमें कोई शक नहीं। बशीर साहब, उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया है कि वो अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले गुप्कार अलायंस में भी उन्होंने कह दिया था कि कैडर खराब हो जाता है, कैडर नाराज होता है, अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा। इनिशियल स्टेज पे आपने कहा कि जो इंडिया ब्लॉक बना जी, तो इंडिया ब्लॉक एक बहुत बड़े कॉज के लिए बना, बहुत बड़ा कॉज। वैसे तो गुप्कार अलायंस भी बड़े कॉज के लिए, हाँ वो भी बड़े कॉज के लिए, यस, लेकिन उसकी भी हवा निकल गई। नहीं नहीं, बिल्कुल हवा नहीं निकली। अभी आप परसों, अभी एक पिछले हफ्ते में वो सारे इकट्ठे थे। फिलिस्तीन डिस्कस किया उसमें आपने? नहीं, ठीक है, चिंता है उसकी, ये आप इंतजार करिए, आपको ऐसे चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको अंदाजा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो इंडिया ब्लॉक बना है वो बड़े काज के लिए बना है, और उसकी अभी 2-3 मीटिंग ही हुई है। और ये भी एक था कि क्या पार्लियामेंट के भी चुनाव हों या ना हों, अब असेंबली के तो हो रहे हैं। मैं डाउट क्यों करते? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी तक तो जब तक अनाउंस नहीं होगा तब तक मैं खुद डाउट करूंगा। जब तक अनाउंस नहीं हो जाएंगे पार्लियामेंट के चुनाव, आज पहली दफा लगा है कि वहां उन्होंने कोई नोडल अफसर बनाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बनाए हैं, और हमने लगा, हमें लगा कि क्योंकि क्यों, क्योंकि 6 महीने पहले जम्मू कश्मीर में कहा पंचायतों के चुनाव बस नजदीक, यहाँ भी डिबेट हम किए क्या आ रहे हैं जी, लोकल बॉडीज के भी डिस्कस किए हमने, लेकिन जो ही नजदीक आए पता लगा नहीं जनाब, वो जो कॉरपोरेटर्स थे उनको कहा गया नहीं जनाब निकलो, हमने अब फिलहाल अफसरशाही चलानी है। वही एक अदारा था ना जहाँ, ये अब आ जाइए, हम जिस कॉज के लिए इंडिया ब्लॉक बना है वो बड़े कॉज के लिए बना है, उसमें बहुत सी पार्टियां हैं। और मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, 1977 तक एक पार्टी का
चल रहा था। और जब 1977 में ये शर्मा जी जो कह रहे थे और बड़ी अच्छी बात कही कि उस वक्त पता नहीं कितनी पार्टियां इकट्ठी होगी, छोटी छोटी रीजनल भी थी, नेशनल लेवल की भी थी, इकट्ठी हो गई। और उन्होंने जब जयप्रकाश नारायण के सदारत में एक मीटिंग की तो जनसंघ मर्ज हो गया, कहाँ, जनता पार्टी में। तो बड़े फैसले में जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट बदल गई और उसके बाद कंटिन्यूसली कोलिशन का कल्चर चल पड़ा, उससे पहले नहीं था। अब इंडिया ने कोलिशन कल्चर अडॉप्ट कर लिया हुआ है और कोलिशन कल्चर जब अडॉप्ट किया गया तो जिस दिन इंडिया ब्लॉक बना तो मुझे याद है कि शायद दूसरे या तीसरे दिन ही बीजेपी को भी एक एनडीए की पार्टी बनानी पड़ी। हालांकि अगर वो नहीं भी बुलाते, चूंकि उनके पास मेजॉरिटी है, वो 2014 के बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बना, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं डरी बीजेपी, कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया। यस, दूसरी चीज ये है कि बीजेपी को जो मैसिव मैंडेट मिला 2014 में, 2019 में, वो लोगों ने एक बहुत बड़े बदलाव के लिए दिया। वो ज़मीनी सतह पे वो बदलाव नहीं है, वो ज़मीनी सतह पे लोगों को लग गया कि नहीं, आज लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं। आज क्योंकि 4 साल के बाद नहीं मांगते, 2019 में नहीं ना, आज वो कहते हैं कि नहीं जनाब, पूरे इंडिया की इकानमी क्या है, नौजवानों का क्या हुआ, मज़दूरों का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ। अब चूंकि थोड़ा सा इलेक्शन चल रहे हैं, आज थोड़े से मुलाज़मों को भी खुश करने की कोशिश की जा रही है, आज और कुछ चीज़ें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये 2023 है, इलेक्शन 2024 में होना है, अभी दो तीन महीने का फ़र्क है। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको बेफिक्र रहना चाहिए, इंडिया जो ब्लॉक बना है, क्योंकि रीजनल पार्टीज़ भी इसमें हैं, नेशनल पार्टीज़ भी हैं, डिस्कशंस होने हैं, कहाँ क्या होना है उसके लिए। चंद्रमोहन जी, आप कैसे दिखते हैं इसको? भाई मैं तो अलायंस बना और बनते ही, पहली बात तो ये है कि इंडिया अलायंस ही नहीं है, ये इंडी अलायंस है जी। अलायंस तो लाओगे तो उसको इंडी बोलोगे, इंडिया कहाँ हो गया जी। दूसरी बात ये है कि हमारे बड़े भाई अरविंद शर्मा जी बड़े सीनियर हमारे, मेरे पॉलिटिशियन हैं, सीखते भी हम इनसे। इन्होंने 70 की बात की, तो 70 में अलायंस बना था, जो जो जनता पार्टी बनी ही, जैसे बशीर साहब ने कहा है, उसमें सब पार्टियां मर्ज हो गई थी, या जनसंघ थी, उसने अपना दीपक बुझाकर, और वाजपेयी जी ने मुझे याद है कि कहा था कि हम अपने दीपक को बुझा के हम जनता पार्टी में जा रहे हैं। यहाँ तो अपनी अपनी डफली अपना अपना रहा गया, चाहे मैं कश्मीर की बात करूँ, चाहे मैं कहीं बंगाल की बात करूँ, ममता अपना रोना रो रही है, अखिलेश क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, पूरे अगर इसकी जैसे इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ब्लॉक की, तो ब्लॉक की आज हालत कैसी है, आपने ब्लॉक देखे होंगे, ब्लॉक इकट्ठे करते हो, ब्लॉक बिखरते कितना समय लगता है जी। बाकी अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, अगर इलेक्शंस की बात यहां पे ये बोल रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटीज़ की, और ओबीसी को यहां रिजर्वेशन नहीं है पूरे देश में। जब हम यूटी में आ गए तो सबको, जब मैं मेयर था, हमने प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा हुआ है डिलिमिटेशन, और बार बार मैंने तीनों गवर्नर जो आए थे, पहले सतपाल मलिक जी, मरमू साहब, और इनसे दरख्वास्त की हम लोगों ने बार बार, और प्रस्ताव पास किया कि डिलिमिटेशन करो, एक वार्ड में 1900 वोट है, एक वार्ड में 19000 वोट है, इस किस्म का सिस्टम, एक का एरिया कुछ है, एक का एरिया उससे 10 गुना वो ज़्यादा है, और जब फंड्स हम एलोकेशन करते हैं इक्वल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक करोड़ रुपया देते हैं सब वार्डों को, एक बहुत समस्या है। दूसरा ओबीसी वाले, वो भी चाहते हैं, हमें भी अगर देश में बाकी सब लोगों का रिजर्वेशन है उनको भी मिलनी चाहिए। तो तीसरा, हमने ये भी प्रस्ताव पास करके भेजा हुआ है कि 50% अगर बाहर हमारी महिला वर्ग को लोकल बॉडीज़ में और पंचायतों में है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं, इधर उसके लिए भी हम सारी बातें करते हैं। चंद्रमोहन जी, असल में हुआ क्या है कि आपने आंकलन किया, एजेंसी से आंकलन किया कि आप जीत सकते हो या नहीं जीत सकते हो, पता चला कि आप नहीं जीत सकते हो, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रिस्क क्यों लेना है, इसका परफेक्ट इफेक्ट जो है उस पर ना पड़े जो लोकसभा के चुनाव, इसलिए आपने कैंसिल किया। आपको कोई हमदर्दी नहीं है कि किसी में रैशनलाइजेशन करनी है या ओबीसी को जी। मैं आज की डेट में अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, जितनी डेवलपमेंट जो पिछले 5 साल में हुई है, पिछले 50 साल में नहीं हुई है। आज आप, मैं जब गांव में जाता हूं, कहीं चनैनी सुदमा में उधमपुर का प्रभारी के नाते, गांव दूर दराज तक पहाड़ों के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, बॉर्डरों पर जाके डेवलपमेंट हो रही है, जो 50 साल की डेवलपमेंट, ये लोकल वार्डी के चुनाव हुए, जो 73-74 अमेंडमेंट ये लोग नहीं लागू कर सके 20 साल,
और केंद्र में थी, पूरे देश में थी। हम लोगों ने प्रयास करके 73-74 अमेंडमेंट यहाँ पे लागू की, उसके बाद आपने अमेंडमेंट राइट मिले। जी आपने राइट देकर के ये राइट भी ले लिया कि अब चुनाव कराएं या ना कराएं, हमारी मर्जी। नहीं, चुनाव होंगे, ये चुनाव कभी रुकेंगे। अभी पार्लियामेंट की, अभी नोडल अफसर की बात कर रहे थे, नोडल अफसर भी लगे हैं इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के, सारे चुनाव होंगे। देखिए अरविंद जी, बात जहाँ तक एक साल इधर से आया कि जनता पार्टी बेसिकली जनसंघ थी जी, तो नाम बदलते रहे, जनसंघ से जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, वो नामकरण था। उसमें बाकी पार्टियां भी थी। वाजपेयी जी ने बड़ी सक्षम तरीके से, एनडीए पहले बना था, उसका शायद नाम एनडीए था, मुझे याद है 24 पार्टियां थी। और वाजपेयी जी की शख्सियत लेटेस्ट है, हम देखते थे कि ममता बनर्जी जी रोज कोई ऐसी बयान देती थी, तो मुझे एक याद है कि वाजपेयी जी बंगाल के ममता दीदी को ऐसे करके मिल रहे हैं, वाजपेयी जी की हम भी तारीफ करते हैं, देश के बहुत खूबसूरत नेता हुए और उन्होंने कामयाब चलाया। अब भी एनडीए है, बीजेपी अकेला नहीं है जी, इसलिए कल्चर अडाप्ट हुआ है और इसमें प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। मगर मैं आपको कुल मिलाकर, बशीर साहब ने भी कह दिया, मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव लोकसभा इंडिया अलायंस इकट्ठा ही लड़ेगा, कोई एक दल इधर उधर हो सकता है इनके प्रेशर में। यूपीए का नाम क्यों बदला गया? नहीं, यूपीए का कारण देखो, ये भी नाम बदल गया, कई फ्रंट बने। यूपीए में जो दल थे, कांग्रेस की अगुवाई कर रही थी, वो एक यूपीए था। लेकिन इस वक्त जो चुनौती है, इस वक्त भारत को चुनौती है। हमने कहा कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, ठीक है, कि उसमें जो संविधान को चुनौती है, देश के अस्तित्व को चुनौती है, ये तो नहीं मानेंगे। लेकिन इस वक्त जो महसूस करते हैं दल, उन्होंने कहा कि इंक्लूसिव जो अलायंस बनाना है, इस वक्त संविधानिक, आप देख नहीं रहे रोज यहाँ कोई ना कोई विपक्षी नेता को ईडी, अब लाल सिंह जी के रोज होती है, इनके भाई साहब के दोस्त भी है कई, और बाकियों को कोई नहीं पूछता, इनके मंत्री भी एक कोई सिटिंग मंत्री के बेटे के ऑडियो का वीडियो चल रहा है देश में, लेकिन कोई ईडी वीडी नहीं जाएगी, तो ईडी को वो रास्ता ही नहीं मिलता। इसलिए इस वक्त निश्चित हर बार डिबेट में ये आपसे पूछता हूँ, आप भी खुल करके बेबाकी से बोलते हैं, आपके पास ईडी आई कभी? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं है। चंद्रमोहन जी भी जानते हैं ईडी जांच करे, हम थोड़ा कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ अगर कोई बात सबूत है जरूर करिए, लेकिन और भी कई लोगों के बारे में सबूत है, वो फिर दूसरी सरकार आएगी, वो भी ये काम शुरू करेगी, तो ये बदले की भावना पाकिस्तान बन गया ना, हम नहीं चाहते। बिल्कुल, जिसने पैसा खाया, जिसने गांधी की है, करप्शन की है, उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इट शुड बी इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबके साथ यकसा ट्रीटमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही, ये ठीक बात है कि पॉपुलेशन जो यूएलबी की बात कर रहे हैं, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किए थे, वो बिल्कुल गलत बात थी, वो करना चाहिए था। लेकिन सरकार को इलेक्शन अनाउंस करके, रिजर्वेशन रोटेशन अनाउंस करके, फिर क्यों याद आया कि एक जगह 19,000 एक जगह 1900 है, होना चाहिए था, इन्होंने एज ए मेयर जो हाउस ने पास किया होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको पता है, दो बार आपने, तीन बार यहाँ डिबेट किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, 73rd और 74th की धज्जियाँ उड़ रही हैं। 73rd 74th का मैं थोड़ा सा जानकार हूँ, मैं बताऊँ सबसे पहले क्या बात थी कि पहली बार संविधान में आपकी म्यूनसिपैलिटीज और ये शामिल हुई, और उसका जैसे लोकसभा का 5 साल के बाद चुनाव होना चाहिए 5 साल में, संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मतलब क्या हुआ कि सरकार अगर मर्जी से चुनाव कराए, मर्जी से ना कराए, पहले संविधानिक स्टेटस नहीं था, आपको चुनाव कराना ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है जी। और दूसरी बात, 14 सितंबर को जो ऑब्जेक्शन मैंने लिखा पार्टी की तरफ से, हमने भेजा जी, उसमें मैंने उनको लिखा सीईओ साहब को कि आप गलत कर रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, आपके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जी। कल उनको डर लगा कि ये कोर्ट में जाए। दूसरी बात, अब ओबीसी की बात किसी ने नहीं की थी, मगर हमने लिखा कि 73rd 74th की अमेंडमेंट का ड्राफ्ट मैंने बनाया था, या पार्टी ने यहाँ लागू किया, तो उसका सारा मसौदा सारे देश का मुझे पढ़ना भी पड़ा, वैदे वैदे वकील मैंने पढ़ा था, लेकिन उस वक्त मैंने स्टडी किया और मैंने लिखा कि ओबीसी के लिए वहाँ लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ जहाँ चाहें ओबीसी को एससी एसटी और महिलाओं की तरह रिजर्वेशन दे सकती हैं। तो हमने उसमें लिखा, वो ड्राफ्ट मैंने रिलीज भी किया कि 14 सितंबर को हमने सीईओ को लिखा, 13 सितंबर को, कि ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और आप इलेक्शन, उन्होंने ये मान लिया, गवर्नमेंट को लिखा है। हाँ, ये बात एक अनइवन पॉपुलेशन थी, वो जाती थी, इन्होंने जैसे कहा कि पैसा बराबर जाना एक जगह, तो वो ठीक बात है, उसमें ये भी क्वेश्चन करते हैं, उसमें
मैं सहमत हूँ, लेकिन सरकार क्यों नहीं जा रही, एक साल छः महीने पहले एक्साइज शुरू होनी चाहिए थी, क्यों नहीं ओबीसी को छः महीने पहले